सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीतम और आप लोग देख रहे हैं पीकेपी थीम्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जिनको अभी तक फंटेचेस 9, 10 या फिर 11 का अपडेट्स नहीं मिला है और जो मेरी तरह फंटेचेस 4.5 यूजर्स है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ फंटेचेस 11 के कुछ एप्लीकेशन, जैसे कि आई म्यूजिक हो गया, FM रेडियो हो गया, वीवो क्लाउड हो गया, ग्लोबल सर्च, कैलकुलेटर, एस कैप्चर और ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन के जो है अपडेट्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में होगा कुछ इंस्ट्रक्शन जिन इंस्ट्रक्शन के बगैर आप लोग जो है अपने वीवो के स्मार्टफोन में फंटेचेस 11 का तरह कैलकुलेटर और एस कैप्चर यूज नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूं आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उसी के साथ पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। FM रेडियो जो है ये फंटेचेस 11 का नहीं है, इस थीम को जो है मैंने डिज़ाइन किया है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इस थीम को जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये जो FM रेडियो का थीम है वो कैसा लगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस कैप्चर की। तो यहाँ पर अगर हम इस कैप्चर को ओपन करते हैं तो ये बिल्कुल फंटेचेस 11 की तरह देखने को मिल जाता है। सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि इसका आइकन्स वगैरह जो है फंटेचेस 11 की तरह नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को जो है बाद में जो है इसको फंटेचेस 11 की तरह आइकन्स के साथ ये कैप्चर जो है बना के दे दूंगा। लेकिन इसमें जो है फंटेचेस 11 की तरह ही जो है ब्लैकिश ट्रांसपेरेंट जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल जाता है, जो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इन एप्लीकेशन को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आपको एक zip फाइल डाउनलोड कर लेना है। zip फाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का फाइल देखने को मिल जाएगा, चार एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, उसको जो है आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। फिर और जो तीन फाइल देखने को मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो है अपने थीम वाले फोल्डर पे चले जाना है, यानी कि DWKT वाले फोल्डर पे, और वहाँ पे आप ही जो थीम आप यूज़ कर रहे हैं उस थीम को आपको कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैंने हैप्पी अक्टूबर वाला जो थीम है कॉपी कर लिया, इसको इस फोल्डर पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको जो है इसको रीनेम पे क्लिक करके इसके पास पे जो है .zip लिख देना है। उसके बाद आपको जो है ओके पे प्रेस कर देना है। इसके बाद इस zip फाइल को जो है आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसको ओपन करना है और ये जो तीन फाइल जो मैंने आपको दे रखा है इस फोल्डर पे, आपको कॉपी करके इस हैप्पी अक्टूबर या फिर उस आपके थीम पे जो है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको जो है सिलेक्ट ऑल पे प्रेस करके जो इसको कंप्रेस कर लेना है।
ठीक है। कॉम्प्रेस करने के बाद आपको जो है इसको रीनेम पे क्लिक करके यहाँ पे जो है जिप को हटा देना है, डॉट जिप को, और सिर्फ ITZ रख देना है। ओके, फिर आपको ओके प्रेस कर देना है। फिर ये वाला जो थीम है इसको कट करके आपको जो है यहाँ पे चले आना है, और यानी कि आपको DWD के T वाले फोल्डर पे चले आना है, और यहाँ पे आपको जो है ओवरराइट कर देना है। ठीक है, ओवरराइट और फिर पेस्ट कर देने के बाद आपको अपना iTheme ओपन कर लेना है। iTheme मैं वहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, iTheme मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो iTheme ओपन करने के बाद आपको लोकल थीम पे चले जाना है। तो यहाँ पे चले जाने के बाद जो है आपको थीम देखने को मिल जाएगा, उसको आपको जो है अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप देख सकेंगे कि मेरे स्मार्टफोन में जो है FantaChoice 11 का जो है कैलकुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया, तो देख सकते हैं बिल्कुल FantaChoice 11 का देखने को मिल जाता है। FM रेडियो भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल जाता है, और इस कैप्चर भी आप लोगों को सेम टू सेम देखने को मिल जाता है।